थानागंज में 22 दिन पहले हुई मासूम अली की हत्या में उसके भाई की ओर से पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई थी उसको देखकर पुलिस को कुछ संदिग्ध लग रहा था। थानागंज पुलिस ने इस हत्या की बारीकी से जांच की और सच्चाई सामने आई, और सच्चाई भी ऐसे कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मासूम अली की हत्या उसकी पत्नी ने ही की और इल्जाम पड़ोसी पर लगाया था। महीने की 17 तारीख को गंज थाना क्षेत्र में रात्रि में नन्ने उर्फ मासूम नामक एक युवक की हत्या हुई थी। उसके संदर्भ में 4 लोग नामजद किए गए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि एक व्यक्ति को उसमें जेल भी मौके वारदात से उन्होंने पकड़ के दिया था, उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन बाद में पुलिस को कुछ अन्य तथ्य हाथ में लगे, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी तो इसी दौरान पता लगा कि स्वयं उसकी पत्नी और उसके जीजा ने उसकी हत्या करी थी और दूसरों को इसमें फंसा दिया था। पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया है। गंज पुलिस को 5,000 रुपए का इनाम हमारे द्वारा इस घटना के सफल अनावरण के लिए दिया गया। किन कारणों से हत्या हुई थी? जो ये चीजें समझ में आ रही तथ्यों के दौरान, उसमें ये तथ्य निकल के आया है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से जो मृतक है उसकी पत्नी का और इसके जीजा का अवैध संबंध था, और उसको रास्ते से हटाने के लिए साथ ही साथ चूंकि 2-3 दिन पहले इनका झगड़ा पड़ोसी से हुआ था, उन्हें फंसाने के लिए ये प्लान बनाया। तो उस समय आरोप क्या लगाया? उस वक्त इन्होंने आरोप ये लगाया था कि पड़ोसी से किसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ था, फिर में कोई रिश्तेदारी का मामला था जिसके दौरान इन लोगों ने झगड़े के बाद में डायल 100 की पुलिस भी उसमें पहुंची थी और बाद में समझौता हो गया था। तो बहुत ही फूल प्रूफ प्लान बनाकर इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही इस घटना का अनावरण। कितना उलझाने की कोशिश की पुलिस के अधिकारियों को? पुलिस के अधिकारियों को बहुत ज्यादा इन्होंने उलझाने की कोशिश करी, क्योंकि घटना प्लांट करी गई थी। साथ ही साथ उन लोगों को, चूंकि उसी दिन झगड़ा हुआ था तो उन लोगों को इसमें नामजद किया गया। बाकी घटना करने के बाद में ये चले गए, इसके बाद में इनकी खुद मृतक है उसकी वाइफ ने ही अल्लाह काटा कि ये लोग मार के चले। जी हाँ, निश्चित रूप से वो बेगुनाह था। पुलिस के द्वारा 169 की रिपोर्ट इसमें दी जाएगी। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको पुलिस जेल भेजेगी।